कह सकते हैं यार, मतलब स्मैकडाउन में सही नहीं चल रहा मामला, अभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन आज हमको स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग है वो उसोस के साथ देखने को मिलती है, जहां पर वो अपने चैंपियंस होने की खुशियां तो मना रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि थैंक यू रोमन रेंस, तुमने हमें अलाउ किया अपने दम पर सब कुछ करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा वो वाला मूवमेंट इतनी जल्दी उसोस भूल गए क्या, जब रिडल को धक्का दिया था रोमन रेंस ने, ऐसे पकड़ा हुआ था, पता नहीं जो भी था, लेकिन उसोस ने आज जबरदस्त तरीके से फैंस का मजाक उड़ा दिया। ये सिमिलर था कुछ कुछ वैसे ही जैसे अभी रिसेंटली केविन ओवेंस ने फैंस के साथ ही मजे नहीं ले लिए थे वैसे, मतलब वो तो एक्स्ट्रा अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का था, लेकिन उसोस ने भी आज पहले कहा कि हम 12 साल पहले कहाँ पे थे, अब कहाँ पर हैं, एक वो बंदा जो कि हमारे साथ हमेशा था वो था WWE यूनिवर्स का, बहुत उनको झाड़ के पेड़ पे चढ़ाया, इवन इतना चढ़ा दिया कि उसोस के चैंट लगने लग गए। अब सोच सकते हो आप लोग, जो बंदे हील रोल टेलीविजन के ऊपर प्ले कर रहे हैं, बातों से कुछ ऐसा वो बोल गए, भाई जे उसो ने राइट हैंड मैन ने बड़ी बड़ी मक्खन लगाई है WWE यूनिवर्स को। लेकिन जब वो कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, उसके बाद क्राउड ने जो बूह करना शुरू किया और वो जो मजे ले रहे थे ना, वो सच में सेटिस्फाइंग लगता है मुझे। हाँ, फैंस का ही वो, हम थोड़ी बैठे हैं ऑडियंस में, हम तो मजे लेंगे कि ऑडियंस का वो वर्ड बन गया, तो वो चीज़ यहाँ पर भी थी। और वो कहते हैं कि वी द वंस करके वो अपना परचम लहराने की बात करते हैं, ऐसे वैसे सारी बातें होती हैं, लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आते हैं शिंसुके नाकामुरा, और शिंसुके नाकामुरा अपने साथ एक बंदा भी लेकर आए थे। अब वो बंदा अभी स्क्रीन के ऊपर नहीं था, उसको कहते कौन, रिक बुक्स आने वाला है, बट चैंपियनशिप्स के लिए वो चैलेंज करने की भी बात करते हैं, और साथ में रिडल आ गए यहाँ पर उनके साथ। और रिडल आए तो ये कोई मैच वगैरह नहीं होना था, बल्कि यहाँ पर रिडल को अपना गुस्सा जो भरा पड़ा वो निकालना था। अटैक वगैरह सब ने एक दूसरे के ऊपर किया, हालांकि कोई ऐसा मेजर किसी ने, मतलब ब्रॉल टाइप की थी, ऐसा नहीं था किसी ने किसी को बिल्कुल ही तरीके से छित कर दिया, लेकिन अगर देखें तो अपर हैंड यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा और रिडल को मिलता है, क्योंकि उसोस को वहाँ से भगना पड़ जाता है, मतलब बेल्ट भी पकड़ ली थी रिडल ने, तो उसके बाद फेंक के उन्हें मुंह पे मारी, मुंह पे तो नहीं, मतलब ऐसे फेंक दी थी सामने। तो रिडल ने आज अपना जो परचम है उसको दिखाया है, इवन नेक्स्ट रॉ के एपिसोड के लिए वाले मैच को WWE ने ऑफिशियल कर दिया। और अब तो आप लोग समझ गए ना कि ब्रांड स्प्लिट खत्म हो चुका है, क्योंकि भाई ऐसे ही आ जा रहे हैं, मतलब अभी बताऊंगा शो पर केविन ओवेंस भी आए थे और वो उसोस बड़े मजे में जा रहे हैं इधर उधर, तो भाई ये जो चीज़ थी वो खत्म हो गई। बट ओपनिंग के हिसाब से उसोस ने जो है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा के रख दिया फैंस को, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रिक किया ना वो सच में कमाल का था यार। रोंडा राउज़ और रकेल रोड्रिग्वेज़ का भी मैच होना था, लेकिन यहाँ पर नटालिया एंड शेना बेजर ने अटैक कर दिया, जिसके बाद अटैक टीम मैच में बदल जाता है, अटैक टीम मैच में बदल गया, तो फिर भी यहाँ पर रोंडा राउज़ी एंड रकेल रोड्रिग्वेज़ की विक्ट्री होती है। और वैसे तो रकेल रोड्रिग्वेज़ को दिखा रहे हैं कि वो रोंडा राउज़ी के अगेंस्ट स्टेप अप करेंगे जीतने के लिए स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप, लेकिन चेहरे पर उनकी इतनी स्माइल क्यों रहती है उसका रीज़न मुझे नहीं पता, काश वो रीज़न मुझे पता चल जाए तो मैं आपको बताऊँ और जो पूरी दुनिया है वो खुशहाल बन जाएगी। हमको यहाँ पर जिंदर महाल एंड शैंकी वर्सेज लॉस सथारियोस का मैच देखने को मिलता है, एंड शैंकी तो भैया हमारा कुछ अलग ही मुंडा बन गया है, क्योंकि सबसे पहले तो जब एंट्री होती है जिंदर महाल की, तो जिंदर महाल तो हैं वो तैयार हैं, लेकिन वो शैंकी वो कितने ऐसे करके वो वहाँ पे बोल रहे हैं, और शैंकी लॉकर रूम के अंदर सामने से कोई कैमरा या स्पीकर वगैरह कुछ तो है, मैंने ध्यान से नोटिस नहीं किया, बीट के ऊपर वो नाच रहे हैं, बट शैंकी को जब समझ में आता अच्छा मुझे जाना है, उसके बाद वो जिंदर महाल शैंकी के साथ जाते हैं, जिंदर महाल अपनी एंट्रेंस कर रहे हैं और शैंकी स्टिल पीछे से अपने मूव्स दिखा रहे हैं, और मूव्स दिखाने में वो थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए, मतलब अभी कितना अलग चीज़ हुई ना शैंकी के साथ, वो काइंड ऑफ पॉजिटिव भी है। अगर आप यहाँ से सिर्फ नेगेटिव निकाल रहे हो कि यार शैंकी नाच क्यों रहा है, तो अभी रुको थोड़ा सा, मैं भी इसको इस पे घुसने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बताता हूँ आपको हुआ क्या। जिंदर महाल का रिंग में काम तमाम हो जाता है, क्योंकि रिंग साइड के ऊपर एंजल गार्जा वो जो अनाउंसर नहीं है समंता, उनके साथ पता नहीं मतलब ऐसे अपनी मतलब उनको रिझा रहे थे अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, बट पीछे शैंकी खड़े हो तो वो उनके पीछे स्टिल मूव्स कर रहे हैं, और जैसे ही वो सामने आए उन्होंने उनको किक मारी, लेकिन जिंदर महाल का जो काम है रिंग के अंदर वो हुम्बर्टो करियो ने तमाम कर दिया, और उसके बाद जब तक शैंकी जाते हैं तब तक जिंदर महाल का काम हो चुका था। अब जिंदर महाल भी कहते हैं भाई बहुत हो गया तेरा, क्या कर रहा है तू, तो वो कहते हैं उनको बस, और बस कह के वो वहाँ से ऐसे ऐसे करके उनको छूमंतर कर देते हैं, लेकिन शैंकी को फोकस एक जगह पर रखना था, और उन्होंने ना वो एंजल गार्जा के बहाने समंथा को देख लिया था, और उसके बाद जाके वो उनके सामने भांगड़ा पा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है शैंकी कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, यहाँ पर क्राउड शैंकी चैंट कर रहा था, ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्राउड जो है इस चीज़ को पसंद करने वाला है। हाँ, शैंकी को आप में से बहुत सारे लोग, इवन मैं भी देखना चाहते हैं कि वो उनका साइज़ बड़ा है तो उनको कुछ मॉन्स्ट्रस वे में WWE बुक करे, बट हमेशा शायद WWE रिएक्शन के साथ नहीं जाते, क्या पता उनको ये भी लगता हो कि शैंकी वो मॉन्स्टर वाले ऐसा उनकी जो रंग रूप है वो शायद वैसा नहीं है, तो उनको उस रिएक्शन में ना लेकर जाए, लेकिन WWE ने जो चीज़ करी उस पर फैंस ने उनको रिएक्शन दिया। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये
क्या शैंकी जाके नचनिया बन गए, छमिया बन गए, बट मैं सारी चीज़ों को इतना नेगेटिव वे में नहीं लेने की नहीं लेता हूँ। अगर फैंस उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, क्राउड उनको पसंद कर रहा है, वो किसी तरीके से ओवर हो रहे हैं, टेलीविजन के ऊपर आ रहे हैं, टीवी टाइम मिल रहा है, तो आई थिंक यही वो चीज़ है जो कि एक WWE सुपरस्टार को चाहिए होती है। बट मैं ये नहीं कह रहा एक हफ्ते से सब कुछ बदल गया है, शैंकी ने कुछ कमाल ही, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव होने वाली यहाँ पर चीज़ है, तो मेरी आइज में शायद वैसा नहीं है। बाकी हाँ, हर किसी का अलग ओपिनियन हो सकता है, तो मुझे थोड़ा सा बात करनी थी इसके बारे में जो मैंने बता दिया। आपको क्या लगता है शैंकी के नाचने के बारे में, मूव्स दिखाने के बारे में, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। केविन ओवन्स शो भी हमको देखने को मिलता है, रॉ से केविन ओवन्स स्मैकडाउन के ऊपर आ गए। अब स्पेशल गेस्ट यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सैमी ज़ेन थे, और ब्लड लाइन की टी शर्ट यहाँ पर पहनकर आए थे। तो यहाँ पर केविन ओवन्स सैमी ज़ेन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सैमी ज़ेन केविन ओवन्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सैमी ज़ेन ने तो यही बोल दिया कि मुझे पता है एलियास और इज़ीकल एक ही बंदा है, और ये बात सुन के ना केविन ओवन्स की आंखें नम हो गई, मतलब उन्होंने गले से लगा लिया। तो वो कह रहे आर यू क्राइंग, ऐसे करके वो पूछ रहे होते हैं। बट केविन ओवन्स को लगता है कि चलो यार, किसी ने तो मेरे दिल की बात को समझा है। हालांकि ये चीज़, ये भाईचारा थोड़ा टाइम तक टिका, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, केविन ओवन्स कहते हैं सैमी ज़ेन तू कहाँ चक्करों में पड़ा है, तू मेरे साथ आ रॉ के ऊपर, ये ब्लड लाइन के अंदर ये क्या है, तू ना ये पागल लग रहा है इसमें। मोरॉन ने उनको कॉल कर दिया। अब जैसे सैमी ज़ेन ने सुना तो कहते हैं अरे भाई, ये तूने ये नहीं बोलना चाहिए था यार तूने। और उसके बाद उन्होंने केविन ओवन्स की भी लगानी शुरू कर दी, उन्होंने कहा तू ही पागल बंदा है, सबको पता है इज़ीकल और एलियास अलग अलग बंदे, उनके साथ में फोटो है, तो तू क्या बकवास यहाँ पर कर रहा है। उनके बीच जब ऐसी ऐसी बकवास हुई तो भैया दोनों एक दूसरे से रूठ गए, धक्का मुक्की भी हो रही है, हालांकि ऐसी कोई लड़ाई वगैरह नहीं थी। तो केविन ओवन्स और सैमी ज़ेन के जो भाईचारा था ना शुरुआत में, वो सारा एंड में आते आते कचरा हो गया। और मजा आता है केविन ओवन्स और सैमी ज़ेन को टेलीविजन के ऊपर देखने में, ये बात तो है, चाहे उनको किसी भी सेगमेंट में, किसी भी फ्यूड में, किसी भी राइवलरी में, किसी भी स्टोरी लाइन में WWE डाल के देख ले। गंथर और उनके साथ केजर और ड्रू गुलाग और रिकोशे का मैच था, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर गंथर वाली टीम जो है जीत जाती है। उसके बाद रिकोशे के ऊपर भी अटैक हो गया। आई थिंक यहाँ पर अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो मामला है वो आने वाला है। गंथर के लिए थोड़ी सी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। शेमस, रिज, हॉलैंड एंड बुच वर्सेस न्यू डे और उनके साथ एक बंदा। अब वो बंदा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि बिगी है, पता नहीं मैं किन ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने शायद लास्ट वीक आपको कहा भी था कि कहीं वो बिगी तो नहीं है, बट मैं ये कैसे भूल गया कि भाई वो तो इंजर्ड है, उनका जो इंजरी टाइम है वो रिकवरी टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सरप्राइज में बंदा यहाँ पर आता है ड्रू मैकइंटायर, एंड ऑब्वियसली बात है ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर हैं, तो विक्ट्री उनकी टीम को मिलती है। मेन इवेंट के हिसाब से कुछ खास था नहीं, क्लेमोर किक पड़ गई और उसके बाद जो है ड्रू मैकइंटायर भी अपने स्टेप्स दिखा रहे हैं। चलो वो चीज़ है अलग, बट आज शो के ऊपर ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कहीं पर भी नहीं थे, रोमन रेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि क्या WWE ने उनको सच में टेलीविजन के ऊपर लाना बंद कर दिया है। मैंने आपको बता रहा था कि रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि पॉसिबली हेल इन अ सेल में रोमन रेंस एंड रिडल का मैच हो सकता है, क्योंकि मनी इन द बैंक में तो रोमन रेंस के आने के वैसे भी चांस नहीं है, और WWE उस वाले मैच को जो है प्रीपोन करने वाले हैं। बट आज इस तरीके से रोमन रेंस शो के ऊपर नहीं आए, लग रहा है WWE अपने प्लान्स ऐसे चेंज कर रही है जैसे कि कोई भी देश सोच लो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेदर चेंज होता है। मेरे को आया नहीं बोलना तो मैंने बोल दिया, आप अपने हिसाब से खुद फिट कर लेना। तो रोमन रेंस शो के ऊपर आज भी नहीं थे, एंड यही वो चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बंदे के पास दोनों चैंपियनशिप्स है और वो बंदा तब भी शो के ऊपर नहीं है। खैर, ये स्मैकडाउन की बात थी, अब आपको कुछ और बातें भी बताता हूँ। वीर महान के बारे में बात करते हैं, तो उनकी एक और वीडियो आते हैं WWE इंडिया के ऊपर, और यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुमने मास्क पहना हो या तुम्हारे सिर में ताज हो, जेरी लॉलर के वो बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भैया मुझे तो अपना तहलका मचाना है, और वो कहते हैं कि एक बदलाव, एक चेंज आने वाला है, कोई वो नई चीज़ करने वाले हैं, और उन्होंने ये कह के टीज कर दिया है। अब देखते हैं वो चीज़ क्या होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस ट्यूसडे को ट्यून करना, क्योंकि वहाँ पर कुछ होने वाला है। तो शायद वीर महान कुछ तो लेकर आ रहे हैं अपनी तरफ से नया, मुझे अभी इसका कोई आइडिया नहीं कि वो चीज़ क्या हो सकती है, बट डेफिनेटली मंडे नाइट रॉ के ऊपर, वैसे तो मंडे नाइट रॉ है लेकिन वीर महान ने ट्यूसडे बोला तो अपनी वाली फीलिंग आई भाई कि हाँ, हमारे लिए तो मंगलवार को ही होती है, तो वीर महान के ऊपर जो है नज़रें रखनी पड़ेंगी थोड़ी ज़्यादा ही। मनी इन द बैंक के स्टेटस के बारे में डेव मेल्ज़र ने ये कहा है कि अब क्योंकि मनी इन द बैंक एलिजेंट स्टेडियम से नहीं हो रहा, वेन्यू छोटा है, तो WWE के जो प्लान्स हैं ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को लेकर वो अब लटक चुके हैं, और अब वहाँ का भी उनका सीन नहीं पता कि क्या दोनों सुपरस्टार अपीयर होंगे या फिर नहीं, और हेल इन अ सेल की तो बात ही मत करो। तो भाई रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर ये ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि रोमन रेंस की स्पेशली बात करूँ तो बैकबोन चल रहे हैं यार, और WWE ने करा क्या दिया है मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा अभी कौन देखेगा WWE के शोज अगर यही हालत WWE की रहती है तो। बट हाँ, MGM ग्रैंड एरेना के अंदर अभी शो होने वाला है, तो WWE दोबारा से कंसिडर करने वाले हैं कि क्या रोमन रेंस को शो के ऊपर लाना है, क्या ब्रॉक लेसनर को शो के ऊपर लाना है। भले हेल इन अ सेल सोल्ड आउट हो गया, लेकिन WWE दोनों में से किसी को भी लाने का कोई प्लान नहीं कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग तो थोड़ी सी न्यूज़ रैंडी ओटन के बारे में जो कि आई थिंक एक स्टोरी लाइन वाइज ही है। आप लोग ये देख सकते हो WWE ने ग्राफिक डाला हुआ है। रैंडी ओटन जो है अभी कंसल्ट कर रहे हैं न्यूरो सर्जन से, उनकी स्पाइन सर्जन से, कि हाँ भैया उनका जो इंजरी है वो उसको किस प्रकार की है और क्या है, और जो ट्रीटमेंट है रैंडी ओटन का वो किस तरीके से होने वाला है। तो अभी थोड़ा सा रैंडी ओटन आपको टाइम टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बट हाँ, नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी जैसे मैंने आपको बताया मैच होने वाला है,
हैं, आप लोग ये वाला पूरा ही ग्राफिक देख सकते हो यहाँ पर, जो सारी की सारी चीज़ें एडवर्टाइज हैं। कोडी रोड्स यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को, ओमोस और बॉबी लेस्ली का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, आस्का और बियांका ब्लेयर का मैच होने वाला है, और बाकी टैग टीम वाला मैच जो है WWE ने ये नाकामुरा और रिडल और उसको वाले भी ऑफिशियल कर दिया। तो ये स्मैकडाउन की कहानी के साथ से मैंने आपको और भी कहानी बता दी, बाकी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।